देश की राजधानी दिल्ली में डीडीए में की गई गाइडलाइन में छठ पूजा पर रोक लगाने पर राजनीति गर्मा गई है। दिल्ली बीजेपी ने प्रेस वार्ता कर ऐलान किया है कि इस बार पूरी दिल्ली के अंदर कोरोना गाइडलाइंस के साथ छठ पूजा का आयोजन किया जाएगा। और दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि जब दिल्ली के अंदर सब कुछ समान रूप से चल रहा है तो अरविंद केजरीवाल की सरकार पूर्वांचल वासियों के साथ द्वेष की राजनीति कर रही है। पहले भी कोरोना काल में रेहड़ी पटरी वालों को बेसहारा छोड़ दिया था और अब भी उन्हें छठ पर्व मनाने नहीं दिया जा रहा है। और केजरीवाल सरकार का मूर्खता भरा निर्णय को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी खुले में ऐलान करती है कि इस बार वह पहले की तरह छठ पूजा मनाएगी और इसके लिए पूरी दिल्ली की छठ समितियां भारतीय जनता पार्टी के साथ है। अगर केजरीवाल सरकार अपना नियम नहीं बदलती तो भारतीय जनता पार्टी और दिल्ली की छठ समिति मिलकर अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर 12 अक्टूबर को प्रचंड प्रदर्शन करेगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब ने छठ पूजा पर दिल्ली में प्रतिबंध लगाया है, भारतीय जनता पार्टी ने उसका मुखर विरोध किया है। दिल्ली में लाखों की संख्या में पूर्वांचल वासी रहते हैं और छठ महापर्व बड़ी श्रद्धा के साथ, आस्था के साथ, विश्वास के साथ यहाँ मनाते हैं। हमने कहा कि हम छठ मनाएंगे, कोरोना के नियमों का पालन करते हुए मनाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल होने के साथ जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जो हमारे समर्थक हैं और पूरे पूर्वांचल वासी जो छठ का पर्व मनाते हैं, उनको मनाने की अनुमति दी जाए। जिस तरह से आम आदमी पार्टी की लोग बार बार पूर्वांचल की भावनाओं पर ठेस पहुंचाने का काम करते हैं और बाद में वो कहते हैं हम पूर्वांचल के साथ हैं, समय समय पर उन्होंने अपने वक्तव्यों से ये बात जाहिर की है। उस समय जब उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति यूपी बिहार से आता है और 500 रुपए की टिकट लेके 5 लाख रुपए तक का इलाज करा के चला जाता है, तो ये भी एक बहुत बड़ा पूर्वांचल वासियों का अपमान था। और उसके बाद जब कोरोना के पहली वेव में जिस तरह उन्होंने जितने हमारे रेहड़ी पटरी और गरीब वर्ग के लोग जो पूर्वांचल से बिलोंग करते हैं उनको बेसहारा छोड़ दिया और उनके लिए कह दिया कि आनंद विहार बस अड्डे पे आपकी बस खड़ी है, आप जाइए वहाँ, इसका अर्थ ना आपने राशन दिया, ना उनको दवाई दी, ना उनकी व्यवस्था की, आपने उनको बेसहारा छोड़ दिया और वो उस भ्रम में वहाँ गए और कितना खतर, कितना भयावह मंजर हम लोगों ने देखा। उसके बाद तमाम पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनको व्यवस्था की, उनको भोजन की, उनको राशन की, उनको यहाँ तक की जो चरण पादुका है वो भी नहीं थी उनके पास। तो ये 2-3 ऐसे मामले जो पहले भी हो चुके हैं और आज फिर केजरीवाल जी बार बार कह रहे हैं कि हम छठ पूजा नहीं होने देंगे। लेकिन मैं उन्हें बताना चाहता हूं, आज हमारे पूर्वांचल के तमाम नेता यहां बैठे और मनोज जी ने और हमारे जो पूर्वांचल के नेता हैं कौशल जी, दिनेश जी और जितने भी लोग हैं, उन्होंने कई पूर्वांचल की छठ समितियों से बातचीत की है, संवाद किया है। उनके मन में गहरा आघात है कि जब यहाँ हर चीज खुली है, हर चीज पर मार्केट खुले हैं, मंदिर खुले हैं, धार्मिक स्थल खुले, हर तरह की एक्टिविटी खुली है, तो फिर छठ पूजा पर ही ऐसा कुठाराघात या ऐसा प्रतिबंध क्यों है? तो भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मत है कि भारतीय जनता पार्टी है खुलेआम ऐलान करती है हम छठ पूजा मनाएंगे और छठ पूजा मनाने के लिए हमारे निगम की ओर से जो व्यवस्थाएं होंगी वो भी हम पूर्ण करेंगे, चाहे वो आम आदमी पार्टी के विधायक उसको मना करेंगे, नहीं होने देंगे, तो हम उन छठ पूजा समितियों के माध्यम से वहां व्यवस्थाओं को करेंगे। और इसमें एक बात है कि सांकेतिक रूप से नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उन व्यवस्थाओं को ऑन करते हुए छठ पर्व हम धूमधाम से मनाया जाए, इसकी संपूर्ण और सुव्यवस्थित व्यवस्था करेंगे। और केजरीवाल साहब अभी आगे मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि अब मुझे पता है उनकी फितरत और आम आदमी पार्टी के लोगों की, कि आज जो भारतीय जनता पार्टी का ऐलान है कि हम छठ पूजा मनाएंगे, आप परमिशन दे दें तो अच्छा रहेगा, परमिशन दे दें, आप डीडीएमए को प्रपोजल पत्र भेज दें, क्योंकि दिल्ली सरकार का ये ज्यूरिडिक्शन है
कि अगर कोई गाइडलाइन आती है तो आपको नियम का फॉलो करवाना है, आपने नियम करवाने हैं, नियम को पालन कराना है, तो इसलिए आप उसकी व्यवस्था करें। मुझे लगता है इसमें दिल्ली सरकार अपनी व्यवस्था से बचने के लिए कि भाई यमुना जी की सफाई कौन करेगा, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर कौन खड़ा करेगा, हर घाट पे हर जो घाट बनेंगे उनकी व्यवस्था कौन करेगा, तो इन सब व्यवस्थाओं से पल्ला झाड़ने के लिए आम आदमी पार्टी और मुख्यमंत्री साहब ऐसा कर रहे हैं। इसलिए मैं आप मुख्यमंत्री साहब से कहना चाहता हूं कि तुरंत वो डीडीएमओ को पत्र लिखकर, और ये दिल्ली सरकार का अधिकार में आता है कि वो किसको परमिशन दे किसको नहीं दे, कोरोना के प्रोटोकॉल कोरोना के नियमों की अवहेलना कोई नहीं करना चाहता, आप पालन करने के लिए कहिए। मार्केट में भी आप खोले हैं तो मार्केट खोले हैं तो वहां भी पालन करा रहे हैं, अगर पालन नहीं कोई करता तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी होती है, लेकिन आप पूरी तरह से छठ पूजा पर बैन लगाना सिर्फ अपनी नाकामी छुपाने के लिए, सिर्फ अपने निकम्मापन को जाहिर करने के लिए, जब काम नहीं कर पाएंगे इसीलिए कर रहे हैं सर। और मैं एक बात और कहना चाहूँ, ये हम जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो आम आदमी पार्टी की तरफ से भी जवाब आएगा कि दिल्ली केंद्र सरकार के नियमों का पालन कर रही है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, ये मैं आपको प्री एसएम क्वेश्चन आपके सामने कर रहा हूँ, मैं उसका उत्तर भी देता हूँ कि फिर उत्तर प्रदेश बिहार में ऐसा प्रतिबंध क्यों नहीं है और राज्यों में क्यों नहीं है, इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार व्यवस्था कर रही है, सब लोग कोरोना के नियमों का पालन करते हुए छठ पूजा को मनाए, छठ पूजा को आस्था और विश्वास के साथ मनाए, इसकी व्यवस्था सरकार को करनी है, तो अपनी व्यवस्थाओं से बचने के लिए उन्होंने सीधा एक ही फंडा किया कि मनाएंगे नहीं, प्रतिबंध लगा दिया, तो भारतीय जनता पार्टी इसका पूरी तरह विरोध करती है। और जिस स्टेट में होती है उस स्टेट के सरकार का प्रोपोजल को ही डीडीए को डीडीएमए को मानना पड़ता है। अरविंद केजरीवाल डूब के पानी पीना चाहते हैं, वो छठ का विरोध भी करना चाहते हैं, फिर उनके कुछ विधायक विधायक पीछे से दूसरी बातें करते हैं और फिर मामला ऐसा आता है कि नहीं नहीं दिल्ली सरकार ने प्रतिबंध लगाया, अब तो पता चल गया। तो हम तो दिल्ली सरकार के कानों में बार बार ये बात डाल रहे हैं, कुछ समय हमने डाला, कुछ समय छठ समितियों ने डाला, फिर पूर्वांचल मोर्चा भारतीय जनता पार्टी ने डाला, आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने कल एक प्रचंड प्रदर्शन करने का निर्णय ले लिया। हम सभी पूर्वांचलवासी छठ व्रती बहुत ही प्रसन्न हैं और मेरा आप सबके मार्फत से हर व्यक्ति से प्रार्थना है कि ऐसी संस्कृति विरोधी छठ विरोधी अरविंद केजरीवाल सरकार के विरोध करने के लिए कल जरूर शामिल होइए, ताकि उनको बताएं हम कि छठ और संस्कृति पे चोट पहुंचाना कितना घातक हो सकता है। एकदम ये तो अरविंद केजरीवाल का पूर्वांचल विरोधी पहले भी चेहरा दिखा है उनके स्टेटमेंट में, 500 रुपये का टिकट लेके आते हो, 5 लाख का इलाज करा के चले जाते हो, कभी जब कोविड आया तो जाओ बस लगी है अपने घर गाँव भाग जाओ, ये तो सबके सामने है। अभी जब लहर आई थी कोरोना की तो झूठ मूठ का कि हमारे पास तो ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन है, हर बात में वो पूर्वांचल वासियों को तकलीफ देते रहते हैं। इस बार पूर्वांचलियों ने और छठ व्रतियों ने संस्कृति समर्थकों ने ठाना है कि हमें अरविंद केजरीवाल की इस सोच को मिटाना है। दिल्ली में इस बार जो छठ पर्व बनाया जाएगा बीजेपी के द्वारा 70 विधानसभाओं में बनाया जाएगा क्या, जमुना घाट में 70 विधानसभाओं में 7,000 जगह से ज़्यादा पे मनाएंगे, कितने हज़ार लोगों को जुड़ने की संभावना? मेरा आशा है कि देखो हम तो ये नहीं कह रहे हैं कि भीड़ लगाओ इस बार, मेरी भावना को समझिए, हम तो खाली छठ व्रती को छठ करने की परमिशन चाहते हैं, हम भीड़ थोड़ी बुलाएंगे, नहीं नहीं जिनको करना है करें, हम उसको प्रोत्साहित करेंगे, लेकिन बैन मत लगाओ। ये समाज जो कि स्वच्छता कर कर के घाट पे बैठ खड़ा होना चाहता है, पहले घास छिलता है, गोबर लीपता है, जल को साफ करता है, उसकी सोच को अरविंद केजरीवाल आप जानते हो आप किसकी बात कर रहे हो, उसको बैन मत लगाओ। हर गैदरिंग वाला प्रोग्राम ऑन है ना, खाली छठ नहीं होगा, छठ होगा और पूरी कोरोना गाइडलाइन के साथ होगा।